जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से, जब थाने को अटैक करा गया, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर। उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वॉज अ स्ट्रक्चर विच वॉज इलीगल। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। तो पत्थरों का अटैक हुआ, जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी उसमें उन्होंने आग लगा कर रखी। तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मैजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो थाने को घेरा गया, थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। हम धुमपुरा अतिक्रमण में काफी रूप से घायल लोग, बहुत बड़ी ईंट लगी है मेरी यहाँ, ये पूरा टूट गया है, घूम चोट लगी है पाँव में, पीठ में लगी है, कमर में लगी है, काफी चोटें लगी मुझे भी, पाँव फिर गया मेरा, मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। भगवान की कृपा से बच के आ गया हूँ, बच गया हूँ।